नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीवीएस वाला पर। मैं हूँ राम लखन यादव और आप हैं हमारे साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जिसको जाने बिना आप कंक्रीट का ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस सिंपली सपोर्टेड RCC वॉइडेड स्लैब में कितना MQ कंक्रीट लगेगा, जिसका लेंथ 19 मीटर का है और इसका जो विड्थ है 12 मीटर 270 से 13 मीटर 234 तक ये वेरीज कर रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सोफिट। वॉल्यूम ऑफ सोफिट डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग में आप देख सकते हैं 7 मीटर 500 इसका जो विड्थ है और इसका जो लेंथ है ये 19 मीटर का है। 19 मीटर में से हम ये 175 mm जो ऑफसेट निकला हुआ है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टॉप में ही ऑफसेट है, बॉटम में नहीं है। और 1.2 इसका हाइट हो जाएगा और लेंथ 350 mm इसमें से 19 मीटर में से माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसका लेंथ 19 मीटर में से 350 माइनस करेंगे तो 18 मीटर 650 आएगा। उसके बाद से इसका जो विड्थ है 7 मीटर 500 है और इसका जो हाइट है 1.2 मीटर है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 167.85 MQ। तो दोस्तों इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है और वॉल्यूम ऑफ कोन है उसको माइनस कर देंगे तो ये पूरा एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो पाइप है उसका लेंथ कितना है, सबसे पहले मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। 19 मीटर में से अब हम माइनस करेंगे 600, 1500 और 800, सबका दो दो बार करेंगे क्योंकि ये सब सिमेट्रिकल है दूसरे साइड भी। तो इसको 19 मीटर में से इतना माइनस करेंगे तो इसका जो लेंथ हो जाएगा 13 मीटर 200 आएगा। यहाँ पे हम ये नंबर लिखते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड पाइप। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारे पास 3.14 मालूम है, आर उसका डाया 800 का है तो उसका रेडियस हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर इनटू एच 13.2। उसके बाद से इसमें 5 नंबर ऑफ पाइप है, वॉइड पाइप, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 33.158 MQ, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड पाइप का। इसमें 5 नंबर ऑफ वॉइड पाइप दिया हुआ है। अब इसमें हमको कोन माइनस करना है। जो ये कोन है, कोन का क्या स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे लेंथ है 800 आप देख सकते हैं। उसके बाद से ये जो लॉन्गर डाया है ये 800 का है और ये स्मॉलर डाया है 400 का है। ये दोस्तों कुछ इस तरह से ये बनेगा, जिसका हाइट यहाँ पे 800 mm दिया हुआ है ड्राइंग में और यहाँ पे जो इसका टॉप डाया है 800 mm का है और बॉटम में ये 400 का है। तो इसका कैपिटल आर और ये स्मॉल आर 200 हो जाएगा, ये 0.2 mm और ये हो जाएगा 0.4। अब हम इसको बी नंबर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बकेट का जो फॉर्मूला होता है सेम उसी को पुट कर देंगे। 1/3 पाई इंटू एच और कोस्ट में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इसमें कैपिटल आर ये हो जाएगा 0.4 और स्मॉल आर हो जाएगा 0.2। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का जो वैल्यू है 3.14 इंटू एच 0.8
और कैपिटल आर 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू 0.2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2.344 इंटू 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसमें जो कोण है एक साइड में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, दूसरे साइड में भी 5 है, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। ये हमारे पास आ जाएगा 23.445 m³। इसीलिए ये वॉल्यूम ऑफ सोफिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोफिट जो होगा 167.85 में से ये दोनों क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, 167.85 माइनस 33.158 माइनस ये 23.45, ये हमारे पास आ जाएगा 111.25 m³। ये हो गया बेस विथ में जो कंक्रीट लगा है उसका। दोस्तों हमने ये वॉइड बेस विथ का निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे इसका जो कैंटीलीवर पोर्शन है उसका। तो कैंटीलीवर पोर्शन में इसका जो थिकनेस है एक साइड 500 है, दूसरे साइड 200 mm का है, आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं 200। तो ये दोनों का हम एवरेज ले लेंगे तो सेंटर का आ जाएगा, और इसका जो विथ है वो कितना होगा आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, चारों साइड में जो विथ है वो अलग अलग है। तो हम इसको और इसको एक साथ, ये दोनों को एक साथ ले करके एवरेज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.530, ये एवरेज ये विथ आ जाएगा, और इसका जो लेंथ है 19 मीटर का है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कैंटिलीवर पोर्शन का क्या होगा, लेंथ हो जाएगा 19 मीटर, इसका जो विथ हो जाएगा 2.530, और इसका जो थिकनेस है हाइट, एक जगह 500 है और दूसरे जगह 200 है, तो दोनों का एवरेज हम ले लेंगे तो 0.350 आएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे और इंटू टू भी कर देते हैं, क्योंकि ये दो साइड है, ये जो कैंटीलीवर पोर्शन है एक साइड ये और दूसरे साइड ये, इसलिए दो से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा कैलकुलेशन 33.65 m³। हमने इसका सोफिट का निकाल लिया, कैंटीलीवर का निकाल लिया, और अब हम निकालेंगे ये पॉइंट जो हमने इसको माइनस किया था, वॉल्यूम ऑफ एन डायफ्राम ऑफसेट, वो जो ऑफसेट निकला हुआ है उसका जो लेंथ है 7.5 m इंटू, इसका जो विथ है 0.75 इंटू थिकनेस 0.2, और ये दोनों साइड है इसलिए 200 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 0.525 m³। अब हमको दो क्वांटिटी और निकालना है, कौन सा, ये जो एंड डायफ्राम है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कंक्रीट लग रहा है ना ड्यू टू सुपर एलिवेशन, उसका हमको क्वांटिटी निकालना है। अगर इसका एग्जैक्ट देखना चाहते हैं आप जी कितना इसका कैलकुलेशन और कैसे निकालते हैं, तो हम इसका डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग का और स्टेजिंग अरेंजमेंट ड्राइंग में उसको बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देखने से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको इस वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा, तो उसको देखने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका विथ दिया हुआ है, ये हाइट हो जाएगा 450 mm, एक साइड में मिनिमम ये 50 mm दिया हुआ है, तो दोनों का हाइट का एवरेज ले लेंगे। अब दोस्तों हम निकालेंगे चौथा नंबर, वॉल्यूम ऑफ एन डायफ्राम एट द रेट ए टू साइड में मिनिमम 50 mm दिया हुआ है ड्राइंग में, 1.46% के हिसाब से 7.5 m लेंथ के अनुसार इसका जो विथ सुपर एलिवेशन निकालेंगे तो ये 160 mm आएगा। क्लियर, इसका कैलकुलेशन 7.5 इंटू 0.8 इसका विथ, और ये इसका हम एवरेज ले लेंगे 0.050
प्लस 0.160 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.63 m³। उसके बाद से सेम हम 5 नंबर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एन डायफ्राम एट द रेट P18 साइड। P18 साइड एक साइड मिनिमम 50 mm दिया हुआ है, दूसरे साइड जब हम निकालेंगे तो ये हमको 450 mm मिलेगा। तो अब हम इसका टोटल क्वांटिटी कितना आएगा 7.5 मीटर में, उसको हमको यहाँ निकालना है। हमारे पास है 7.5 × 0.8 × इसका हम फिर एवरेज कर देंगे 0.45 / 2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 m³। अब हम सबको ऐड कर देंगे, ये जितने भी क्वांटिटी हमने निकाला है इसको ऐड करने से मेरे को मिलेगा 147.03 m³, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 147 m³ हमको कंक्रीट लगेगा सिंपली सपोर्टेड RCC वॉटर स्लैब में, जिसका लेंथ 19 मीटर का है।